मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले संहिता विरोधीहरू सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमा सक्रिय रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय मधेश प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरी क्रियाकलाप बढिरहेको समयमा मुख्यमन्त्री यादवले यो क्रियाकलापमा संहिता नचाहनेहरू सक्रिय रहेको बताए। इस्लाम धर्मका प्रवक्ता मोहम्मद पैगम्बरको जन्मदिनको अवसरमा मुस्लिम धर्मावलीहरूले गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरू तथा संहिता विरोधीहरूबाट अहिले सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए। यद्यपि संसारको कुनै शक्ति संहिताको विरोध लागे पनि संहितालाई खारेज गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। वो लोग से हमने के सचेत भी रहे के बाद हमने सचेत रहम ते दुनिया के कोनो शक्ति कोनो ताकत हमने के संहिता खारिज करे ना सकी। जवन अधिकार अभी हमने के लेवे के बाकी बा वो अभी बढ़ता के हिसाब से संघ सरकार से लेवे के बाद न दी तोला हमने आंदोलन को के ही अधिकार बनु छीन लेवे को अपन अधिकार उससे और भी काम करे में मजबूती हुई। जैसे आज शांति सुरक्षा के सवाल पर बहुत जगह प्रश्न उठा। मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन नहुँदा सामाजिक सद्भाव बिगार्नेहरू विरुद्ध कारवाहीसम्म गर्न नसकिने गुनासो गरे। संघ सरकारसँग सबथोक भए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू तत्त्वहरूलाई पनि कानुनी दायरामा नल्याइरहेकाले त्यस्ता तत्त्वहरूको मनोबल उच्च हुँदै गइरहेको उनले बताए। संघ सरकार समेत सामाजिक सद्भावमा आँच पुर्याउनेहरू विरुद्ध कुनै कारवाही नगरिरहेकोले संघ सरकार आफै संहिता विरोधी रहेको मुख्यमन्त्री यादवले आरोप लगाए। प्रशासन न भेला के चलते बहुत बड़ा कठिनाई भी हो रहा है। इस सद्भाव बिगाड़े में हम थोड़ा संघ सरकार के भी दोषी दें, काहे कि बहुत कमजोर तरीका से एक्शन ले रहा था। जन हिसाब से सद्भाव बिगाड़े वाला लोग बिगड़ी तो ओकरा पर तुरंत एक्शन लेवे के पड़े, काहे कि कोनो जात होको कोनो समुदाय के होको या कोनो भी बड़का वीआईपी न पड़ो बहुत से बड़का वीआईपी लोग हो कि संघीयता विरोधी काम में जे भी संलग्न हो ओकरा पर कानूनी कार्रवाई करे के चाहिए। जे में केंद्र सरकार के कुछ ढीला सुस्ती हम देख रहा बाड़ी। कार्यक्रममा नेकपा एमालेकी नेत्री जुली महतोले पैगम्बर मोहम्मदले जीवन प्रयत्न सामाजिक सद्भाव तथा भाइचारा सन्देश दिएकाले उनले देखाएको बाचो अनुसार हिँड्न आग्रह गरे। पैगम्बर मोहम्मदले देखाएको बाचो अनुसार नगर्दा पछिल्लो समय समाजमा सामाजिक सद्भाव खलबलाउनेहरू सक्रिय हुँदै गइरहेको उनको भनाइ थियो। उनले सम्पूर्ण इस्लाम धर्मावली पैगम्बर साहबले देखाएको बाचो मात्रै अनुसार हिँडे उनको जन्मदिवसले साथ सतर्कता अपनाउने पाउने नेत्री महतोको भनाइ थियो।